अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनओडी टीवी न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। वालेकुम सलाम। वो सोनिया में जो डेट हो गई बच्चे की, जी तो उसके लिए क्या रहते रहेंगे साहब? उसको पैसे मिलेंगे, घर वालों को नहीं मिलेंगे, क्या करेंगे? नहीं मिलते जी भाई, नहीं मिलते। हमारी कोशिश जो भी करना है जाके हंगामा करके आए जी। तो पैसे वगैरह कुछ भी नहीं मिलते साहब गवर्नमेंट की तरफ से? डाउट है मेरे को ऐसा, क्योंकि आवाम के लोग पूछे डाउट है। उसके ऊपर और आगे फर्दर और एक बड़ा धरना करना है। धरना करे तो कुछ मिलता उनको, बराबर करेंगे। आज हम कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी हम सुलझने गए थे, राइट, डीजीपी से भी मिले थे। एंड मैं डीजीपी को आज बोला क्या बोलते ये मर्डर कैसा हो रहे हैं, अंडर ट्रायल करो, ये सब्जेक्ट लिए फिर मैं आके आपसे बात करूंगा, ये बोलते उनको डीजीपी को भी बोला। बोले आपका सुझाव बहुत अच्छा है, राइट। एंड वो चबूतरा में लोगों को नहीं बैठना देना ना, बोलते नहीं बैठने देना, उलना ही हंगामा और पूरे गांजा पी के कामा कर रहे हैं आप। अगर ड्रग फ्री सिटी बोल रहे हैं, ड्रग फ्री स्टेट बोल रहे हैं, ये गांजा कहाँ से आ रहा है, ये ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं, मडरा हो जा रहे हैं, बोल के बहुत समझाया मैं। उन्होंने भी समझ गया, उन्होंने भी मेरी बात से मुतासिर थे। हाँ करेक्ट बोले फिरोज, करेंगे इसका तोड़ निकालेंगे बोल के बोला। तो ये भी बात है। तो भारत अब ये जो मसला है इसको और एक बड़े लेवल में एजिटेशन करना है, बराबर उनकी जो भी कांस्टेबल की मदद है बराबर करके देंगे। ठीक है फिर, माशाल्लाह बहुत अच्छा दिया मेरे को जवाब। आवाम के बीच में था यह मसला है। शुक्रिया साहब। जी जी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।